आईपीएल 2019 जॉनसन को पसंद नहीं आई ऋषभ पंत की 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से की तुलना। नमस्कार, इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जोरदार धमाका किया है। भारतीय टीम में तीनों ही फॉर्मेट में अपनी जगह बना चुके ऋषभ पंत ने आईपीएल के पहले मैच से ही अपना प्रभाव छोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। रविवार को मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस सीजन नए नाम और क्लेवर के साथ उतरी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ऋषभ पंत का अंदाज पिछले सीजन वाला ही रहा। ऋषभ पंत ने देखते ही देखते मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का कत्लेआम करते हुए महज 27 गेंदों का सामना कर 78 रनों का अनवाद पारी खेल दिल्ली कैपिटल्स को 213 के पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुँचाया। ऋषभ पंत की इस पारी के बाद अब उनके पूरे क्रिकेट जगत में जय जयकार हो रही है। भारत के 21 साल के युवा क्रिकेटर ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि वो किसी से स्थिति में बल्लेबाज करने को तैयार है और भारत के लिए लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने को भी तैयार है। युवा बल्लेबाज पंत की इस पारी के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने जमकर तारीफ करते ट्वीट कर कहा, आईपीएल 2019 में ऋषभ पंत ने 17 गेंदों में 50 रन बनाए, ना जाने क्यों भारत में उनकी आलोचना होती है, उन्हें खेलने का तरीका बता दे। तो मिचेल जॉनसन ने पंत को भाग्यशाली, माइकल वॉन ने कहा, ऋषभ पंत की आलोचना करने वाले अपनी बार रखी। माइकल वॉन ने जहां ऋषभ पंत की आलोचना करने वाले पर अपनी बार रखी तो वहीं उनके इस ट्वीट पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने जवाब देते हुए ट्वीट कहा, जिससे जॉनसन इस पारी को कुछ भाग्यशाली मानते हैं, साथ ही पंत की तुलना अपने हम वतन ग्लेन मैक्सवेल से कर रहे हैं। जॉनसन ने ट्वीट कर लिखा, काफी हद तक तो T20 क्रिकेट भाग्य के खेल में शामिल होता है और शायद दूसरे फॉर्मेट में ज्यादा कौशल होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में पसंद करता हूं। मुझे मैक्सवेल की समानताएं इसमें दिख, पंत को उनका मार्गदर्शन करने के लिए सही लोगों की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।